अगर तीन पतीला माल नहीं बेचेंगे तो इतने आदमी का पगार किधर से आएगा? तो 85 साल का मतलब हो गया, 85 साल का धंधा है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ओके, तो ये यहाँ का एक यूनिक आइटम है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं सर इसको? गुर्दा, किडनी। गुर्दा है तो ये बकरी का गुर्दा, मतलब किडनी बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये प्रॉपर मसाले में आपने किया हुआ है? मसाला में फ्राई होकर के उबाला हुआ, मसाले में फ्राई किया गया, मसाले में फ्राई किया। ओके, और ये तिल्ली है। ये क्या है? तिल्ली, तिल्ली बकरे का। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बीच में रुकना है इसके लिए, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है जिसको किडनी फेलियर सर किडनी फेलियर हो गया है, तो हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उसकी मम्मी खुद उसको किडनी दे रही है फिलहाल, तो पेशेंट डायलिसिस पे, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फंड्स रेस कर रहे हैं। तो आपसे जितना भी हेल्प हो सकता है आप प्लीज़ कीजिए। ये वीडियो से जो हमारी फर्स्ट पेमेंट आएगी यूट्यूब से, वो पेमेंट से हम उसकी हेल्प करेंगे। अगर आप खुद हेल्प करना चाहते हैं, ऑनलाइन हेल्प करना चाहते हैं, या उसको मिल के हॉस्पिटल में मिल के हेल्प करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है। उसके जो फंड्स हम लोग रेस कर रहे हैं, तो आप लोगों से जितना भी हो हेल्प हो सकता है आप प्लीज़ करिए। आप भी प्रे कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ये देखो, फुल तड़का मार के किया ना तो? एकदम फेशल आइटम है ये। ये कैसे बनता है? बम्बई के अंदर कोई मिलेगा नहीं है। अच्छा, मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा? हम लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सर। ये बनता किसका है, मतलब तिल्ली मतलब क्या हो गया? ये बकरे के अंदर हिस्सा रहता है, ये बकरे का एक पार्ट है जो खाया जा सकता है। ये दही वड़ा है? दही वड़ा है। ओके, दही वड़ा। और क्या क्या आपके पास? ठीक है, ये बटाटा है। ये बटाटा है, एकदम फेसल बटाटा है, कलर वाला बटाटा नहीं है, फेसल बटाटा है। दम आलू बोलते हैं इसको? दम आलू, दम आलू अलग रहता है। अच्छा, ओके। ये क्या है? ये कोकम, कोकम चना बड़ा बंदू। हाँ, कोकम। ये मसाला, हरा मसाला है। ये चना है? चना है। तो आपके इधर छोटे बर्तन नहीं मिलते? बड़े बर्तन अभी आपने? इससे बड़ा रहता था। अच्छा, इससे बड़ा रहता है इसको, तो बोलते हैं ठीक है। तो देखो कि ये कितना क्वांटिटी में बनाते हैं, ये मतलब कितना सेल होता है इनका? तीन पतीला रहता है रोज का, ये तीन पतीला। ये तो अभी ये दूसरा है, अभी एक और आएगा। ये 30 रुपीज का है। क्या आएगा इसमें? चना बटाटा खाली आएगा, चना बटाटा। और ये 70 रुपीज का है। इसमें क्या क्या आएगा? तिल्ली, गुर्दा, बटाटा, चना। अच्छा, इसके अंदर आएगा, मिक्स आएगा पूरा, मिक्स आएगा। ओके, और 140 का ये है, इसमें भी मिक्स आएगा पूरा। ओके ओके, अगर सादा लेंगे तो आपको 80 रुपये का आएगा। ये 250 रुपये का आएगा, 250 रुपये का देखो। ओके, ये 350 रुपये का आएगा। तो ये सब मोस्टली पार्सल जाते हैं आपके यहाँ से? 350 का। ये क्या बनाने जा रहे हैं आप? ये तिल्ली, गुर्दा, चना, रगड़ा, सब भेल मिक्स रहेगा। एक गुर्दा डाल रहे, किडनी ले रहे, किडनी के टुकड़े। अरे वाह, कितना पब्लिक आती है एक दिन में आपके पास? पब्लिक तो बहुत है सर। अरे हाँ, ये ना हार्ट जैसे रहता है ये दिल्ली में, देखा है। दही वाला, दही वाला। इसमें चना डालेंगे, रगड़ा डालेंगे। ये क्या रगड़ा इसमें? वाह, ये क्या चला इसमें? एक टाइम में खाना हो जाता है फिर ये। अरे दो दो प्याली खा जाते, पार्सल ज्यादा जाता है, बाहर जाता है। ये क्या अभी? इमली। ये क्या इमली? हाँ। अरे वाह, खजूर। ये खजूर नहीं, कोकम है। कोकम, अच्छा, सॉरी, कोकम। आम की चटनी होती है, हो गया कोकम। ये है मसाला, स्पेशल मसाला। ये नमक, काजू बादाम की कनी है। ये नब्बू है, एक आइटम और पड़ेगा। ये है मिर्ची, ये
खतरनाक आइटम है यार, पहली बार देख रहे हैं। ये बिरिस्ता कांदा आता ना तलब, फ्राइड ऑनियन, अभी हो गया रेडी, रेडी टू ईट। कुछ की दुकान में आप कितने लोग काम करते हैं? 15 से 16 आदमी ये छोटे स्टॉल पे काम करते हैं। और रमजान में कितने लोग? 20-22 आदमी। रमजान में 20 से 22 लोग काम करते हैं। तीन धंधे लगता है ना अपना, तीन बिजनेस वहाँ बाजू में लगता है, यहाँ लगता है, सामने लगता है। तो इन्होंने छोटे से जगह पे कितना बड़ा बिजनेस सेटअप करके रखा है। टाइमिंग और टाइमिंग क्या कर पड़े उसका? सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक, लेकिन संडे वनडे को बंद नहीं रहता है, हमेशा चालू रहता है। अरे वाह। और मैंने भेजा हूँ कल 16,000 रुपये का, शादी में गया था। कितने का ऑर्डर था वो? 16,000 रुपये। इतने का ऑर्डर मिल जाएगा सर, तो 16 आदमी काम करने वाले कहाँ से आएगा? सही बात है, अगर 3 पतीला माल नहीं बेचेंगे तो इतने आदमी का पगार किधर से आएगा? 85 साल का मतलब हो गया, 85 साल का धंधा है। आपका दुकान कौन से नाम से फेमस है? चना बटाटा, बोरी मोहल्ले का चना बटाटा सबसे फेमस। चना बटाटा, बोरी मोहल्ले का चना बटाटा, वो भी नॉर्मल डेज में, जुम्मा के दिन मतलब फ्राइडे के दिन 5,000 लोग खाते हैं। राइट, 5,000 लोग खाते हैं क्योंकि अभी पूरा मार्केट लगता है उस दिन। तो इतना सर का बिजनेस बढ़ा के रखा सर ने? सर बड़ी बात है, 85 साल पुराना हो गए, 85 ईयर्स पुराना है। देखो दुकान की शुरुआत किसने की थी? अरे मेरे दादा के, दादा के एक चले गए, एक दूसरे जाने वाले, तीसरे नंबर है। अच्छा, आपका नाम पुराना हो गया, मतलब इनका हर जनरेशन यही करता है, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी यही करते आ रहा है। अब इनके बाद इनका बेटा संभालेगा? मेरा बेटा है ही नहीं, आ जाएगा ना, बंद हो जाएगा, देखते। कीप वॉचिंग सिंह साबूत, ऐसे अतरंगी यूनिक स्ट्रीट फूड हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर। आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। कीप वॉचिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टाटा।